सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज है हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास और आज की क्लास होने वाली है बहुत ही बेहतरीन क्लास, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग। जी हाँ, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आखिरकार नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। आपको पता है बच्चे पूरे साल नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल से परेशान रहते हैं कि हमसे नहीं होते हैं, बट ट्रस्ट मी, एक बार मेरे तरीके से सीख के देखिए और आप पूरे साल ना इसी चैप्टर को कहोगे कि यही चैप्टर सबसे बढ़िया था, हमें तो इसी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज हम सीखते हैं कि वो क्या है पहला स्टेप जिससे हम आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो बच्चों, हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। इस यूनिट के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 चैप्टर है, ठीक है। पहला चैप्टर था सर्कुलर फ्लो, दूसरा चैप्टर था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब हमारा तीसरा चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखो बच्चे, हम जब नेशनल इनकम की बात करते हैं ना, तो नेशनल इनकम का मतलब होता है कि कितना हमने नेशनल प्रोडक्ट जनरेट किया। अब जब हम नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो दैट मींस सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटपुट प्रोड्यूस इन आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, यानी कि वो है क्वांटिटी के टर्म्स में। बट नेशनल इनकम जब हमें कैलकुलेट करनी है, हमें चाहिए कि हम उसे मनी में कन्वर्ट करें। तो मनी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर उसके कुछ एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ 8 बेसिक एग्रीगेट्स है नेशनल इनकम के। पहले मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ, उसके बाद मैं उनको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगी कि वो क्या होते हैं। जैसे कि पहला है जीडीपी एमपी, कहीं ना कहीं हो सकता है आपने जीडीपी एमपी के बारे में सुना हो, पढ़ा हो, ठीक है। फिर है जीएनपी एनपी, जीडीपी एफसी, जीएनपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनएनपी एमपी, एनडीपी एफसी और एनएनपी एफसी। अब मैडम आप ये ऐसे से कुछ भाषा बोल गई हो और आप तो कह रही थी कि समझ में आ जाएगा, हमें तो सबसे पहले यही समझ में नहीं आया कि आपने क्या कहा। तो चलो अब जरा समझते हैं कि मैंने आपसे क्या कहा। मैं आपको सबसे पहले पहला एग्रीगेट समझाती हूँ, जीडीपी एमपी। सबसे पहला कॉम्पोनेंट है हमारा जीडीपी एमपी। मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन समझाती हूँ, एक की डेफिनेशन से आपको बाकी सबकी डेफिनेशन समझ आ जाएगी। देखो जीडीपी एमपी का मतलब क्या होता है, इट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू, किसकी मार्केट वैल्यू, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड, किसने बनाए, बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स, कहां बने, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो मैंने यहां पर आपको इसकी डेफिनेशन लिखी है कि जीडीपी एमपी क्या होता है, इट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रॉस मार्केट वैल्यू, यानी कि हमारे मार्केट में जो फाइनल गुड हमें दिख रहा है वो किस प्राइस पे बिक रहा है, ये वो वैल्यू है, ठीक है। ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस, अभी मार्केट वैल्यू है किस चीज की, फाइनल गुड्स की, जिसे किसने प्रोड्यूस किया है, जितने भी हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स है उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है। अब ये कहां प्रोड्यूस हुए हैं भाई, ये प्रोड्यूस हुए हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। कहां प्रोड्यूस हुए हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक समय पे, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है हमारा, जनरली 1 ईयर ही होता है। अब यहां पर मैंने ना कुछ चीजों को बॉक्स में डाला है। अब वो मैंने बॉक्स में क्यों डाला है, देखो यहां जो ये जीडीपी एमपी है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस, इसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या फुल फॉर्म है इसकी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये थी जीडीपी एमपी की डेफिनेशन कि जीडीपी एमपी क्या होता है, और इसे इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि ना बहुत बार इस्तेमाल होगा, जीडीपी एमपी बहुत बार इस्तेमाल होने वाली चीज है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो अब यहां पर जितने भी आप ये एग्रीगेट्स देख रहे हो उसमें आपको देखने को मिल रहा है जी,
ये जी होता है आपका ग्रॉस, और ये ग्रॉस क्या सिग्निफाई करता है कि यहां पर आपने किसी भी तरीके का कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है, यानी कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। याद है मैंने आपको पढ़ाया था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो ये आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एन, एन का मतलब क्या है, नेट। नेट का मतलब है कि आपने इसके अंदर डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दिया है, यानी कि आपने डेप्रिसिएशन का प्रोविजन लगा दिया है इसके अंदर, आपने अपनी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिला डी। डी जो है वो सिग्निफाई करता है डोमेस्टिक टेरिटरी को, कि यहाँ पर आप जिन गुड्स की बात कर रहे हो ना, वो अभी फिलहाल आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही प्रोड्यूस हुए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और एन देखने को मिलेगा जो कि सिग्निफाई करता है नेशनल को। अब आपने कि भाई देखो, आपने जो यहाँ पर पैसा कमाया था, डी में तो था कि आप अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में ही कमा रहे हो। अब कुछ पैसा याद है ना कि हम ऐसा भी होता है जो बाहर की कंट्री से भी कमाते हैं, जिसको आप क्या बोलते थे, आप बोलते थे NFIA, ठीक है। अब मैं इसके फुल फॉर्म नहीं बताऊंगी, मैंने अभी पिछली क्लास में आपको बताया है। उसके बाद आपने देखा कि पी लिखा हुआ है, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, और यहां पर प्रोडक्ट से क्या मतलब है, फाइनल गुड्स। फिर उसके बाद आया आपका एमपी, एमपी मतलब क्या है, मार्केट प्राइस। फिर आया एफसी, एफसी मतलब क्या है, फैक्टर कॉस्ट, ठीक। तो अब मैंने आपको सबकी फुल फॉर्म बता दी है, तो जैसे कि अब है जीएनपी एमपी, तो इसका मतलब ये क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एफसी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरीके से आप सबकी फुल फॉर्म आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक। अब ये सब चीजें आप नोट कर लो, क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स का पहला स्टेप मैं आपको समझाने वाली हूं। देखो, हमें ना कुछ कन्वर्जन सीखने हैं। अब पहले जरा आपको कन्वर्जन सीखिए। आपको यहां पर आपने पढ़ा है ग्रॉस और नेट, ठीक है। याद है मैंने आपको पढ़ाया था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। मैं स्कूटी खरीद के लेकर आई थी और उसके बाद उसमें टूट फूट हो गई थी, तो दो वैल्यूज बताई थी मैंने आपको कि जब मैं स्कूटी खरीद के लेकर आई 1 लाख रुपए की, पर टूट फूट हो जाने की वजह से मुझे उसके सिर्फ 80,000 रुपए मिल रहे थे, तो वो 1 लाख थे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और 80,000 थी नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो बीच के 20,000 रुपए गायब हो गए थे वो क्या थे, वो थे डेप्रिसिएशन, ठीक है। यानी कि ग्रॉस और नेट के बीच का जो रिश्ता है वो किससे जुड़ा है, डेप्रिसिएशन से जुड़ा है। तो अगर हमें ग्रॉस को नेट और नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, तो एक तरफ है ग्रॉस और एक तरफ है नेट, इन दोनों के बीच को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो क्या है हमारे लिए, डेप्रिसिएशन। क्या है वो, डेप्रिसिएशन। तो अगर मुझे ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो क्या माइनस करेंगे हम उसमें से, डेप्रिसिएशन। हम क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन। वहीं पर अगर मुझे नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि इट इंक्लूड्स द डेप्रिसिएशन। क्योंकि ग्रॉस क्या करता है, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करता है। 1 लाख रुपए जब मैंने आपको बताया तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड था, जब मैंने आपको 80,000 रुपए बताए तो इसका मतलब उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका था। तो नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता है लेकिन ग्रॉस में होता है, तो इसलिए जब ग्रॉस से नेट में जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, जब नेट से ग्रॉस में जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं। इसको नोट डाउन करते जाओ, फटाफट आपने नोट डाउन करना है इसको, ठीक है। अब अगली बारी आती है नेशनल और डोमेस्टिक की। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है, वो इनकम जो हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर ही अर्न कर रहे हैं, जो हमारा रेजिडेंट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर पैसा कमा रहा है वो डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन वही रेजिडेंट कुछ पैसा बाहर की कंट्री से भी तो कमा रहा है, तो वो भी तो हमारी कंट्री की इनकम का ही पार्ट है ना। इसका मतलब जब डोमेस्टिक को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आने वाली इनकम को भी इंक्लूड करना है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो इनकम आती है उसे हम बोलते हैं NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी है उसका नाम क्या है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। तो जब मुझे नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है, नेशनल मतलब
मेरे पास बाहर की इनकम भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो जब मुझे नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा एनएफआईए को? माइनस, क्योंकि डोमेस्टिक बाहर की इनकम को इंक्लूड नहीं करता। बाहर की इनकम सिर्फ कहाँ इंक्लूड होती है? नेशनल में। और जब मुझे डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो इसी एनएफआईए को क्या करना होगा? प्लस। ठीक है, समझ आ चुका है यहां तक? फटाफट से इसको नोट करिए। चलिए जी, अब आते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की तरफ। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, कि जिस प्राइस पे मार्केट में हम अपने सामान को बेचते हैं, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है वो पेमेंट्स जो हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करते हैं। तो अगर मुझे अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करनी है तो मुझे फैक्टर कॉस्ट में क्या प्लस करना होता है? NIT, याद आ रहा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका मतलब क्या था? IT माइनस सब्सिडीज, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इसलिए कहा था मैंने लास्ट क्लास में कि इसको बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि अगली बारी में यूज होने वाली है ना। अब देखो जरा इसका मतलब, इन दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो है NIT। ठीक है, NIT इन दोनों को आपस में जोड़ेगा। तो अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, यानी कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि बनाने में कितना पैसा लगा, तो भाई NIT को माइनस कर दो ना, वो टैक्सेस, वो सब्सिडीज का जो इफेक्ट आया था आप उसे हटा दो। बट वहीं पे अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसी NIT को प्लस। बस आपने ये सीख लिया ना, मेरिकल की पहली सीढ़ी पार कर ली है। ये आपका थर्ड कन्वर्जन था, ये तीन कन्वर्जन हमें आने चाहिए। अब आप कोई सा भी एग्रीगेट, ये जो 8 एग्रीगेट मैंने अभी आपको पीछे बताए, वो आप कोई सा भी निकाल सकते हो, एक से बाकी के साथ निकल सकते हैं, जो अभी मैं आपको निकाल के दिखा रही हूं। ठीक है, तो फटाफट से आप इसे भी नोट करिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलो जी देखते हैं जरा। अब अगर आपको कोई भी एग्रीगेट निकालना है तो देखो, एक एग्रीगेट तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक एग्रीगेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या क्वेश्चन में वो गिवन हो, उससे हम बाकी के सारे निकाल सकते हैं। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मुझे GDP MP क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और मुझे निकालना है GNP MP। तो देखो कैसे निकालते हैं, जो निकालना है वो यहाँ लिखा हुआ है, और मेरे पास है क्या? GDP MP। अब मुझे कन्वर्जन करना है, कैसे कन्वर्ट करना है? देखो कंपेयर करेंगे, मैं कह रही हूँ दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर है भाई? ये जी है, ये भी जी है, ठीक है, ग्रॉस ग्रॉस दोनों तरफ ठीक है। यहाँ पे नेशनल है जबकि यहाँ डोमेस्टिक है। मेरे पास डोमेस्टिक इनकम है, मुझे नेशनल इनकम चाहिए, तो नेशनल और डोमेस्टिक के बीच की जो कड़ी थी वो क्या थी? NFIA, है ना, NFIA। तो अगर मुझे डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो मैं क्या करूं इसमें? NFIA प्लस कर देती हूं। ठीक है, उसके बाद P और P सेम, MP और MP सेम। ये लो जी, हो गए दोनों बराबर, निकाल लिया आपने, बहुत बढ़िया। अब मुझे NNP MP निकालना है। चलो जी, GDP MP गिवन है। अब यहां पर तो जी है यानी कि ग्रॉस, ये है नेट, क्योंकि पहले वाला N क्या होता है? नेट होता है। तो भाई ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस को नेट में, यानी कि मुझे इसमें से माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन। चलो जी ठीक है, डोमेस्टिक है और यहां है नेशनल, यानी कि डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए फिर से वही बात, प्लस NFIA। MP सेम, पी तो आपको हर जगह सेम ही मिलेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट है, वो फाइनल गुड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आया जी GDP FC। अब साथ साथ सॉल्व करना शुरू करो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास GDP MP, भाई ये तो बहुत बढ़िया एक जैसा सही लग रहा है, GDP GDP, पर एक चीज तो गड़बड़ है। क्या? यहाँ मार्केट प्राइस है, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है। तो भाई मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? माइनस NIT, क्योंकि मार्केट प्राइस में NIT इंक्लूडेड होता है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता है, तो माइनस कर दिया। बहुत बढ़िया, अब GDP MP को NDP FC में कन्वर्ट करना है। भाई ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। रिलेशन याद रखो, ग्रॉस और नेट के बीच का रिलेशन क्या है? डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का रिश्ता क्या है? NFIA। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का NIT। ठीक है, तो डी और डी सेम, पी और पी सेम, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे? माइनस NIT। आ गया ना समझ? तो भाई देखो अपने आप सॉल्व करो, ये वाले, ये तीन आप अपने आप सॉल्व करोगे, जल्दी से ये तीन सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आपका क्या आया है आंसर।
सॉल्व आ गया ना समझ में? बहुत बढ़िया। तो हमने यहां से क्या सीखा कि भाई ग्रॉस और नेट इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करता है क्या? डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद नेशनल और डोमेस्टिक इन दोनों को आपस में जो कन्वर्ट करता है वो है एनएफआईए, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट इन दोनों को आपस में जो कन्वर्ट करता है वो क्या है आपका? एनआईटी। बस अगर आपने ये तीन कन्वर्जन सीख लिए ना तो आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि दो एग्रीगेट ऐसे हैं आपके जिनको एक नाम दिया गया है, जिनको आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। ये दो एग्रीगेट, एक का नाम है एनडीपीएफसी और एक है एनएनपीएफसी। एनडीपीएफसी को बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम, यानी कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि डोमेस्टिक इनकम निकालो तो दैट मींस वो कह रहे हैं कि एनडीपीएफसी कैलकुलेट करो। अगर वो आपसे कहते हैं कि नेशनल इनकम निकालो तो आपको कैलकुलेट करना है एनएनपीएफसी। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये दोनों एग्रीगेट हमारे कहलाते हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम रिस्पेक्टिवली। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ऐसे लिखा होता है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके क्या नाम है। डोमेस्टिक इनकम लिखा हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा हो, एक ही बात है। नेशनल इनकम लिखा हो, नेशनल प्रोडक्ट लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, तो बेस बन चुका है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो बच्चों देखिए जरा, यहां पर हमें जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? जीडीपी एमपी। और ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब हमें सब आता है। हम पहले फॉर्मूला बनाएंगे। देखो फॉर्मूला याद नहीं कराया मैंने आपको, एक भी फॉर्मूला याद नहीं कराया मैंने आपको, कहा सिर्फ कन्वर्जन याद रखो, अपने आप सारे फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं फॉर्मूले याद करने बैठ जाते हैं, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखो जरा आप कैसे निकलेगा, आपके पास एक कॉम्पोनेंट होना चाहिए ना, वो एक कॉम्पोनेंट उन्होंने आपको दिया है। क्या होता है ये एनएनपीएफसी? बताया ना मैंने अभी आपको, एनएनपीएफसी को कुछ कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, तो हमें जीडीपी एमपी निकालना है क्या हमारे पास? एनएनपीएफसी करें कन्वर्ट। चलो जी, सबसे पहले ये है नेट, नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में। जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा? नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में, यस, प्लस डेप्रिसिएशन। सुन ली मैंने तुम्हारे मन की आवाज। उसके बाद नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है। तो नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए कुछ माइनस करना पड़ेगा, जो बाहर का पैसा है वो माइनस करना पड़ेगा, दैट मींस एनएफआईए, वेरी गुड। उसके बाद एफसी को एमपी में कन्वर्ट करना है, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में। मार्केट प्राइस के अंदर क्या इंक्लूड होते हैं? टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस एन आई टी। लो जी तैयार है आपका फॉर्मूला, याद करना पड़ा क्या? अब एनएनपीएफसी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको क्वेश्चन में? 2000, बहुत बढ़िया। डेप्रिसिएशन है हमारे पास 200। एनएफआईए, मैडम एनएफआईए तो कहीं भी नहीं दिख रहा है क्या? बच्चों तुम भी भूल गए, NFIA is equals to FIFA minus FITA. FIFA factor income from abroad, ये देखो 110। FITA factor income to abroad कितना है? 50। तो ये आया आपका कितना? 60। तो लिख दो जी यहां पर NFIA 60। NIT net indirect taxes, मैडम NIT भी नहीं दे रखा है, क्यों घबराते हो? NIT का फॉर्मूला पता है हमें, IT माइनस सब्सिडीज। अब IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो भैया इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने के हैं? 180 के हैं। सब्सिडीज कितने की हैं आपकी? 70 की हैं। तो कितने के आ गई NIT? 110। तो लिख दीजिए यहां पर प्लस 110। अब बताइए जरा मुझे जीडीपी एमपी आपका कितना निकल कर आया है? तो भाई जीडीपी एमपी निकल कर आया आपका
2250। अब अपना आंसर इतना नहीं छोड़कर आना है, रुपीस का साइन लास्ट में जरूर लगाना है, और क्योंकि यहाँ लिखा था इन करोड़, तो इन करोड़ के लिए लिखना है आपको, ही आया आपका आंसर। तो देखो आपने पहला न्यूमेरिकल बड़ी ही सरलता से सॉल्व कर लिया है। वो जो तीन कन्वर्जन है वो आपकी पूरी मदद करने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। करते हैं चलो एक और क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होती है नेशनल इनकम आपको पता नहीं है, अभी बताया मैंने, बताइए जरा नेशनल इनकम का कंपोनेंट क्या होता है। आ गया ना दिमाग में क्या होता है? NNPFC। उन्होंने हमसे NNPFC पूछा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? GDPMP, उसी का अपोजिट जो अभी पहले किया था। चलो जी कोई बात नहीं, अब तो मैं आता है GDPMP, ठीक है। क्या करना है बताओ, चलो साथ साथ सॉल्व करते हैं। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक से नेशनल, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाना है, तो क्या प्लस करना पड़ेगा? NFIA। उसके बाद मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस से कॉस्ट की तरफ जाना है, तो माइनस NIT। बहुत बढ़िया। अब देखो GDPMP दे रखा है 5500, डेप्रिसिएशन में तो कहीं भी डेप्रिसिएशन दिख ही नहीं रहा है, कहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? क्या कह रहे हो? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, आपको कैसे पता? अच्छा सब पता है तुम्हें, ठीक है बिल्कुल सही। सो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन का मतलब क्या है कि विद द यूसेज, इस्तेमाल करते करते वैल्यू घट गई थी, और किसकी वैल्यू घट गई थी? फिक्स्ड कैपिटल की। अरे मैडम आप सब बताया आपने, हमें सब पता है। चलो जी तो ये मिल गया हमें डेप्रिसिएशन। बच्चे यही है हमारा डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम, ठीक है ये ध्यान रखना है, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से भी आ सकता है। उसके बाद NFIA तो हमें दिख रहा है मैडम, फीफा माइनस फीटा लगा देते हैं। चलो जी अलग से निकालते हैं ना, NFIA कैसे निकलता है? फीफा माइनस फीटा, ठीक है। फीफा कितना है हमारे पास? 150, फीटा है हमारे पास 250, यानी कि पैसा बाहर ज्यादा गया है। तो मैडम ये तो नेगेटिव आ गया है, ये तो NFIA नेगेटिव का निकल रहा है, तो कोई बात नहीं क्या हो गया। अब यहां पर बच्चा क्या करता है कि यहां नेगेटिव आता है तो यहां पर उसको तब भी प्लस 100 लिख देता है, ये गलती है। अगर आपका आंसर यहां नेगेटिव आया है तो भाई मैथ से यूज करनी है, यहां पर भी प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब आप यहां पे नेगेटिव में ही लिखेंगे इसे, आपको यहां पे 100 को माइनस ही करना है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, तो भाई अब यहां पर आपने इसको क्या करना है? माइनस का 100। अब आप कहोगे मैम फॉर्मूला चेंज हो गया। बच्चे फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, आप NFIA को प्लस ही कर रहे हो, बट वो तो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव निकला है कि आपके यहां से पैसा ज्यादा गया है बाहर, ठीक है, तो इसलिए वो प्लस माइनस माइनस हुआ है, ठीक। उसके बाद NIT, मैडम NIT कहां है यहाँ पे? NIT भी नहीं है, तो बताओ जी अब क्या करें? NIT का फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर क्या होता है? IT माइनस सब्सिडीज। देखो फॉर्मूला ना आपको हर बार लिखना है, क्योंकि हर एक चीज के नंबर होते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। अब यहाँ पे सब्सिडीज तो है, IT कहां है? इनडायरेक्ट टैक्स तो मुझे दिखे नहीं रहा यहाँ पे, पर कुछ कुछ तो है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस तो कहीं है ही नहीं, क्या कह रहे हो? इतने पढ़े लिखे हमें कि GST इनडायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल सही। अरे तुम बहुत होशियार बच्चे हो, तुम्हें सब पता है। तो GST है ना इनडायरेक्ट टैक्स। चलो जी इनडायरेक्ट टैक्स मिला 120, सब्सिडीज दे रखी है हमारे पास 70, तो ये आ गया NIT 50 का, ठीक है। तो यहां लिख दिया आपने 50, तो चलिए अब सारा कुछ माइनस करिए इसमें से, तो हमारे पास ये आ चुका है 5050 करोड़ रुपीज का साइन, और ये निकल गई हमारी नेशनल इनकम। आ गया, इसी के साथ पूरा थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने। थर्ड चैप्टर से 4 चैप्टर करना बाकी है, अब आज हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट। तो बच्चे आज हमने यहां पर बेसिक सीख लिया है अपने न्यूमेरिकल्स का, कन्वर्जन हमने सीख लिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर जो बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको प्रैक्टिस करना। कुछ नहीं समझ आए तो भाई आपको पता ही है कि कैसे पूछना है आपको, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और आई होप आज आपको न्यूमेरिकल्स करके बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है बच्चे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से जोश के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।